हमने बिल्कुल फ्री पेट्रोल डलवाया यार। गांव की वाइब आ रही है, पता लगवाओ दया ये क्या है। मोबाइल पे आग लग जाती है। कच्चा अंडा है ना। जीरो मीटर चेक कर लिया। आई लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल। राबिया मैंने कहा मेरी बेगम मिस कर रही है, मैं मिस कर रहा हूं। कहां से यहां से राबिया का बॉयफ्रेंड है तलहा। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक व्लॉग बना रखिया सी मैं, उनका इंट्रो नहीं लिया सी, तो मैंने इंट्रो ले लिया। जा करके व्लॉग देखो। सो लेट्स गो। लला 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 लला। गुड मॉर्निंग मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मेरी बेगम मिस कर रही है, मैं मिस कर रहा हूं, आगे ले जाऊं वापस। मैंने तो सुना आप किसी शादी वादी पे जा रहे हैं। आ जाओ साथ चले हैं। टिकड़ा को मैंने 5 मिनट पहले बताया। ऊपर से हमारी सारी चीजें ले आई है, बैग जूती कपड़ा पर्स। सारी जिंदगी मेरा इस्तेमाल करके अब कहनी है बेबी जी जी। कभी इकड़ा के स्टोर रूम में जाकर देखना, ऐसे सामान पड़ा हुआ है जैसे यहाँ हर दुनिया का सारा सामान यहीं भी है बस। मैंने कहा फॉरन वहां जाके ना मिली तो मैं क्या। मुझे अपने इस ड्रेस का शूट करना है और हड़बड़ी मच चुकी है मुझे यहाँ पे। मामा जो है साथ में मुझे स्ट्रॉबेरी का जूस पिला रही है। यार मामा फटाफट से दे दें, शहजादी लगी हुई है, दे दे यार। जूस पीते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद शूट पे निकलते हैं। ये मेरे फोटोग्राफर्स यहाँ पे दुपट्टे का शॉट लेने के लिए कैसे क्रिएटिविटी कर रहे हैं। एक्शन। शूट करवाने आई थी और इतनी कोई खूबसूरत लोकेशन मिली है ना हमें, मतलब किसी का घर है यहाँ पे। ये पता नहीं किस चीज का गंदुम लग रही है मुझे। और ये साथ पे इन्होंने गाय भैंसे भी रखी हुई है, और ये सारा इनका पीछे बाग, और वो इतना प्यारा वहाँ पे झूला लगा हुआ है। वो तो नहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये पता नहीं क्या है। ये ऐसे जहर भी हो सकता है, खा पी के जो है मौत नहीं हमने अपने गले लेनी। छोटी छोटी बकरियां भी फिर रही हैं, सही गांव की वाइब आ रही है। पता लगवाओ दया ये क्या है। नारियल है, कद्दू तो नहीं है। शूट करवा लिया, अब चलते हैं घर को। और अभी मैंने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया हुआ था, और मामा यहाँ पे मेरे लिए बनाकर लाई हैं ये अंडा और ब्रेड। हम इतने बच्चे थे, अप्पी भी थी, राबिया भी थी, अब आस्ते आस्ते 2 बच्चे रहे। एस्ट्रोलॉजी के 7 मेंबर्स थे। अप्पी की शादी होगी, बाकी रह गए 6। पापा जो है यूएसए चले गए, बाकी हम रह गए 5। हीरा जो है शूट पे चलेगी, बाकी रह गए 4। राबिया चलेगी यूनिवर्सिटी, बाकी रह गए हम 3। मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मी, और ये बैठी हुई है ज़ैनब, और ये मैं। अभी आजकल हम घर पे 3 लोग। एक टाइम आना मैंने और पापा ने रह जाना। ज़ैनब मामा से जिद करके भाई किचन में अंडा बॉइल करने आई थी। ज़ैनब तुझे अंडा भी लिटरली बॉयल नहीं करना था, कच्चा अंडा है ना। मुझे पता ही नहीं है कब निकालना होता है कब नहीं। अब इसको तवे पे फ्राई करके खाओ यार, ये बॉयल अंडा लग रहा है। वो देखो वो भी बॉयल किया, वो वाला किस एंगल से ये बॉयल लग रहा है। इसको भी बॉयल किया है। हाँ। ये भी कच्चा है अंदर से, और बॉयल करो इसको। एन कुड़िया नु अंडे बॉयल नहीं करने आंदे, खरे आना नु अगे जाके की आएगा। अगे जाके ना की करना। चन कितो निकल आया। ज़ैनब जो है बड़ी शेक पेक बना के लाई है, खिदमत है भाई। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मिल्क शेक देने का। राबिया मैडम यूनिवर्सिटी से आ चुकी है। तुम्हारे इतने गंदे पैर है राबिया, नीचे को मामा को बताऊंगी। मेरी मामा के सारे सोफे खराब करी हो। गई पता कितनी प्यारी बन गई थी, वापिस आई तो वो देखो फुल गंदी बन गई हूँ। असली औकात में वापिस आ गई हो। फिर राबिया जो है यूनिवर्सिटी से आके अब घोड़े बेच के, कुत्ते बेच के, हाथी बेच के सो चुकी है। मामा ने आज घर पे कुछ भी नहीं बनाया खाने को। आज जो है ना हम बाहर से खाना खाने जाएंगे, मैं मामा और ज़ैनब। आप यहाँ पे खिचड़ी का डब्बा निकाल के खड़ी हो गई है। मरीजों के लिए क्या? राबिया के लिए। राबिया को भाई का खाना बना। राबिया तभी थिक भी हो। राबिया भी थिन है। चलो ठीक है मामा, ये मैं क्या देख रही हूँ यार, गाड़ी में बिल्कुल लास्ट सेल रह गया है। सारा दिन गाड़ी चली है, ये तो शुक्र करो एक सेल है, वरना एंड होता तो रास्ते में बंद ही पड़ी होनी थी। तो मामा आपको ड्राइवर को एटलीस्ट बोल देना चाहिए था, गाड़ी का बिल्कुल लास्ट सेल रह गया, पेट्रोल पंप तक चली जाएगी। चलो भगाओ अब। आज मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रही हूँ, चलो भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम लोगों ने सोचा पेट्रोल बाद में डलवाएंगे, फिलहाल जो है ना वो पेट पूजा कर ली जाए। मामा और ज़ैनब जो है ना ये जिम कर रही है। ओपन लिखा तो मतलब खुला हुआ है, बेवकूफ। ये लोग आजकल जिम शिम कर रही हैं तो ये आजकल डाइट वाला खाना खा रही हैं। डाइट वाला खाना तैयार हो रहा है। नम 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 नम। ये हमारा खाना आ चुका है। ज़ैनब उधर से ले रही है ड्रिंक। मैं जो है पेट्रोल डलवाने आ गई हूँ, और ये मेरा फुल लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ चीजें पापा ने समझाई नहीं थी। यहाँ से जो है मीटर चेक कर लेते हैं, 0 पे है यार, लेकिन मुझे नहीं पता मामा ओपन कहाँ से करते हैं। यहाँ से हम ना पहली बार पेट्रोल डलवा रहे हैं, मैं बताना कहाँ से ओपन करते हैं। एक सेकेंड भाई उसको बता देते हैं, वो बता रहा कहाँ से। अच्छा कहाँ से, यहाँ से। अच्छा जी यहाँ से वो ओपन हो जाती है। वहाँ पे तो हमारा कार्ड नहीं चल रहा था, फिर हम इधर आ गए और 0 मीटर चेक कर लिया। आई लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, तुम्हें भी अच्छी लगती है? यू लगती है मुझे। नहीं यार कुछ लोगों को जो होता है ना पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। आप लोग कॉमेंट से बताओ कि आप लोगों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है। मोबाइल पे आग लग जाती है।
ये ना कि आपने सारी टिकटॉक खराब। उन्होंने कहा है कि मोबाइल को पेट्रोल से थोड़ा सा दूर कर लेंगे ना फिर यहाँ पे आग लग जाए। वैसे मैंने भी अक्सर सुना होता है कि मोबाइल और सिगरेट से दूर रखा। पूरी टंकी जो है ना हमने फुल करवा लिया है। या हा हा हा। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और राबिया मैडम जो है ना अब घर पे कहीं सो गई है। इसको हम अकेला छोड़ के गए थे, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। नहीं खोल रही दरवाजा। बेल पे हाथ रख लेते हैं, जब कोई दरवाजा ना खोलेगी। देखो ऊपर वाली पे रख, मैं नीचे वाली पे। बेटा बेल खराब हो जाएगी। चाबी तो हम लेकर ही नहीं गए, हमें था राबिया मैडम है घर पे। एक तरफ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, वो तो मैं आपको बात बताना ही भूल गई यार। आज जो है ना पेट्रोल पंप पे हमने बिल्कुल फ्री पेट्रोल डलवाया यार, बिल्कुल फ्री पेट्रोल। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हमने पेट्रोल डलवाया और हमने पेट्रोल वाले अंकल को बोला ये ले पैसे। कैशियर आया हमारे पास, उसने बोला नहीं नहीं ये पेट्रोल मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, मैं आपका फैन हूं, मैं आपके व्लॉग्स देखता हूं, आप बिल ले लें हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, फोर्सफुली उन्होंने हमसे बिल नहीं लिया। फातिमा पहली दफा पेट्रोल डलवाने गए, पहली दफा बचत करके। एग्जैक्टली बचत। राबिया नहीं खोल रही, कुत्ते घोड़े फिर बेच के। कॉल करो, स्टिल वो बह रही है, उसको आवाज नहीं आ रही। फोन अगर साइलेंट पे हुआ तो अल्लाह अल्लाह खैर। मेरे दिमाग में है कि पापा को कॉल करती हूं, ये नहीं दिमाग काम किया कि उसको खुद कॉल करूं। कॉल करो उसे, मामा के फोन से कर ले, मामा अमीर औरत है। नहीं वैसे वैसे साइको है राबिया, साइको है यार। खोल ले दरवाजा, इसकी पां पां करेंगे। राबिया दरवाजा खोल दे यार, तुम पागल हो राबिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोल रही हो क्या? नींद में है, बेल दे रहे हैं तो बेल घंटे से दे रहे हैं तुम्हें, सुनाई नहीं दे रही। अब खोला, बंदा पागल हो रहा लेकिन राबिया ना हो। राबिया कैसे सोती हो यार, मेरी बहन ने शोपे लग गई है। राबिया इतना गंदा सोते हैं यार, यूनिवर्सिटी से आके ऐसा नशा किया है इसने कि सो ही गई है। अब नहीं पता लगा, मामा आपने की खिचड़ी में वाकई नशा डाल के दी। खिचड़ी खा पी के और ऐसा सोई दी थी, कोई नशा तो नहीं था। बस आगे नहीं आ रहा मेरे को, टूटा फूटा शेर इतना ही आता है। बंदा प्लेट में निकाल के आराम से खा लेता है, बट ये फ्रिज खोल के मजा ही कुछ और है। चिकन अंदर खा सकते कभी ना, लोगों को मैंने अपने फ्रिज का टूर करवाना है। बहुत गंदी फ्रिज, देसी लोगों के फ्रिज का टूर मैं आपको जरूर करवाऊंगी। देसी फ्रिज हमेशा खाली रहती है, उसमें सिर्फ आटा दूध अंडे अंडे बस यही पड़े होते हैं। नहीं यार फ्रिज में कुछ नहीं मिला तो ये बैग यहाँ पे फरोला फरोली करने आ गई हो। जरा चेक करते हैं जिसके भी बैग में है क्या। एक दो तीन चार पाँच और ये 500 हजार रुपया रख के ले, टोटल 1000 रुपया है बस राबिया के बैग। इतना महंगा बैग और जिसमें रखा सिर्फ 1000 रुपया हुआ है। तो पकड़ी गई, ऑपरेटर नेम तलहा। 200 रुपए बना है यार। राबिया पकड़ी गई, राबिया का बॉयफ्रेंड है तलहा। निकाला यार, और क्या लिखा हुआ है इस पे? और इस पे लिखा हुआ है विल यू मैरी मी, मैं अपने घर की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ। ये राबिया ने ऐसा क्या खरीदा है जिसका बिल 200 रुपए है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो भी मैं कहूँ की वेजिटेबल्स वो कैसे खरीद सकती है? और क्या, लिपस्टिक लेके जाती है यूनिवर्सिटी में, बॉयज चॉइस होते हैं ना इसलिए परफ्यूम लेकर जाती है। बस गिन चुन के यही कचरा निकला राबिया के बैग से। किसी दिन मैं अपने बैग का टूर दे दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय अपने बैग का टूर दे दूंगा? वो सोखनाल की हवेली है ये तेरा बैग है? उसमें बुक्स के अलावा हर चीज मिलेगी आप? नहीं, राबिया जाती यूनिवर्सिटी है और इसके बैग में बुक्स के अलावा हर चीज पड़ी हुई है। हालांकि पढ़ने वाले बच्चों के बैग में कोई बुक्स, कोई कॉपी, कोई फील्ड ही एक्टिंग शेक्टिंग किया उसने। ओ इसमें देखो कोई नाच गाना पड़ा होगा, डांस पड़ा होगा इसमें कहीं। सो गाइस होप सो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो।